आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं मटन की रेसिपी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज हम मटन बनाए हैं घर पे, और जो भी बारिश का मौसम है तो मटन हमको बहुत मन कर रहा खाने को। बनाए देखिए, सबसे पहले तो हम हाफ के जी मटन ले लिए हैं। मटन को देखिए, हम छोटे छोटे टुकड़े में कट करके अच्छी तरह से धो करके इसको रख लिए थे। अब हम 3 मीडियम साइज की प्याज काटे हैं। अब ये हमारा ऑयल है, जो सरसों ऑयल डाल दिया कढ़ाई गर्म करने के बाद। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गई है, अब इसमें हम प्याज डाल के इसको फ्राई कर ले रहे हैं। जब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे तब तक इसका कलर जो है अच्छी तरह से मतलब चेंज ना हो जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद हम वीडियो ये दिखाए हैं। 10 मिनट के बाद ये प्याज का कलर जो हल्का चेंज हो चुकी है। अब इसको 5 मिनट तक और हम फ्राई करेंगे, तो इसमें हम मटन डालेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम 5 मिनट बाद इसमें मटन डाल दे रहे हैं। मटन को और प्याज को ज़्यादा मतलब फ्राई करने से क्या होता है, जो मटन के साथ में प्याज अगर फ्राई करेंगे तो वो प्याज जो जल जाएगी, इसलिए हल्का कच्चापन ही मतलब प्याज में रहना चाहिए। तो कि हम मटन फ्राई करेंगे ना, तो ये प्याज है जो जलेगी नहीं, इसलिए हम इसमें प्याज बाद में डाले हैं। सॉरी, मटन आधा कच्चे रहने के बाद ही डालते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, हम मटन को अच्छी तरह से जब तक मतलब फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर है जो चेंज ना हो जाए। हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, मतलब उतना लॉन्ग वीडियो नहीं बना के शेयर करना चाहते, बहुत लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। अब इसको इसी तरह हम बीच बीच में मेरा मोबाइल है जो अप डाउन इसलिए होता है क्योंकि हम एक हाथ से वीडियो बनाते हैं, स्टैंड से यूज नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मसाले हैं जो है जीरा, गुलकी, धनिया, लहसुन, अब अदरक और मिर्च का पेस्ट है जो हम मिक्सी में पीस करके और इसमें हम डाल दिए हैं। जो मसाले हम और भी वीडियो में दिखाए हैं वो आप जाकर देख सकते हैं कितना मसाला यूज़ करते हैं। अब इसमें हम हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। अब इसको हम MDS का पसंदी में भी डाल देते, इससे तीखा नहीं होता, इससे सिर्फ कलर ही आती है, इसमें हम डाल दिए हैं। अब इससे कलर इतनी अच्छी लगती है मटन देखने में ना, पता नहीं। अब इसको हम बीच बीच में इसी तरह हम चलाते रहेंगे जब तक ये मसाले का कलर चेंज ना हो जाए। आप देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट बाद हम ये मसाले जो हमारी आधा फ्राई हो चुकी है। इसी तरह बीच बीच में आप चाहे तो ढक करके भी धीमी आंच में पका सकते हैं। ऐसे तो हम मसाले को धीमी आंच में ही फ्राई कर रहे हैं ताकि ये जले ना थोड़ा सा। और कश्मीरी मिर्च इसको डब्बा में था, हमारी मसाले खत्म हो गई थी, मतलब कश्मीरी मिर्च इसलिए थोड़ा सा इसमें हम डाल दिए हैं। अब ये बनने के बाद देखिएगा कलर कितना मस्त आता है, ये अभी तो पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को कलर देखने में। जब ये पानी डला करके होने लगेगी तो इसका कलर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है इस तरह मटन बनाने से। नेक्स्ट वीडियो में आपको मसाले दिखा देंगे कितने डालते हैं, ऐसे और कोई वीडियो में जा करके देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये मटन का कलर मतलब चेंज हो चुका है, यानी कि मसाले हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अभी तो कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, 12:30 1 बज गया है, अब खाना खाने का टाइम हो गया, इसलिए जल्दी इसमें कुकर में 2-3 सीटी मरा करके बना लेते हैं, क्योंकि हमारे में तो घर में कुछ गेस्ट आए तो उसके लिए हम मटन बनाए हैं। अब इसमें हम करीबन 1.5 गिलास इसमें हम पानी डाल दिए कुकर में, क्योंकि कुकर में बना रहे तो कम ही पानी डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये मटन मतलब पानी डालने के बाद इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। अब ये ढक्कन लगा दिए, थोड़ा सा मसाला ऊपर में लग गया तो उसको अच्छी तरह साफ कर लेते, अच्छा नहीं लगता इस तरह देखने में। दिखा देते हैं आपको गैस कितना मतलब हम हाई फ्लेम पे ही पका रहे हैं, क्योंकि सिटी ये लो में रखेंगे तो नहीं मारेगा। अब 3 सिटी मारने के बाद इसको हम गैस से उतार के हीटर पे चढ़ा दिए हैं। अब इसको तो दिखाई नहीं दे रहा इतना ये हो रहा है, तो देखिए हमारी मटन कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है, कुक हो गई है, इसका हड्डी जो है वो मतलब बाहर निकल गया। हमारी मटन बनके रेडी है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट करना ना